स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। देखिए सिलेबस से रिलेटेड ये न्यूज आ रही है कि 30% सिलेबस कम होगा। तो ये श्योर है कि 30% सिलेबस कम होगा। इसका ये भी है कि अपन को थोड़ा सा ये बेनिफिट मिलेगा कि अपन वो ही चैप्टर कर रहे हैं जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जिसको नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि ये हर टाइप से इम्पोर्टेंट रहते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसीलिए अपन ने जो यूनिट पहले की है, यूनिट कौन सी की थी अपन ने, 6 और 7 की यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं अपन। फर्स्ट वाली यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब अपन ने स्टार्ट कर रखा है यूनिट थर्ड को। तो ये चारों ही यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर टाइप से। तो अपन को इस बात का बेनिफिट रहेगा कि अपन ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। चलिए अब इसके बाद में ये है कि अपन ने जो चैप्टर 10 स्टार्ट कर रखा है वो फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन ने स्टार्ट कर रखी थी डार्क रिएक्शन, ठीक है, आपको पता हो। अब जो डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बताया था CO2 का रिडक्शन होता है, रिडक्शन या फिर फिक्सेशन। CO2 के रिडक्शन या फिक्सेशन से कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, टू फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय द रिडक्शन एंड द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन लाइट इज अब्सेंट, सो इज नोन एज द डार्क रिएक्शन, बट फुलफिल द एनर्जी बाय द ATP एंड NADPH प्लस हाइड्रोजन आयंस। ATP एंड NADPH हाइड्रोजन आयंस आर फॉर्म इन द लाइट रिएक्शंस। इसके अलग अलग प्लांट्स में आर द डिफरेंट टाइप्स। अपन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं केल्विन बेसिस साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन करेंगे वो रहेगी हैच स्लैग साइकिल। कौन सी है? हैच स्लैग साइकिल्स। तो देखिए हैच स्लैग साइकिल से एक बार अपन थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि एक जैसे साइंटिस्ट है कैप्रिलाउ, क्या है कैप्रिलाउ, कैप्रिलाउ साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने जो मेज प्लांट है इनने एक्सप्लेन किया है मेज प्लांट पे, कैप्रिव साइंटिस्ट ने, और साथ में एक कॉर्टोच, कॉर्टोच इसके क्या थे, एडोल थे, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो मेज प्लांट्स है, मेज प्लांट्स की लीव्स में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, यानी एक तो क्या हो गया मेज प्लांट हो गया काप्रिल का, और कॉर्टोच इसके जो एडोल थे उन्होंने कौन सा ले लिया, सुगर केन ले लिया। और इस प्लांट में उन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड स्टडी की, टू स्टडी द रिलेटेड ऑफ द फोटोसिंथेसिस, देन ऑब्जर्व द फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट द 3 कार्बन कंटेनर, इट इज द 4 कार्बन कंटेनर, 4 कार्बन कंटेनर। तो सो 4 कार्बन कंटेनर नेम इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर होगी कि देखिए C3 साइकिल्स के अंदर 3 कार्बन्स का बनता है, ठीक है, 3 कार्बन्स का क्या बनता है, 3-फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्म, 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, टू फॉर्म द 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कैप्रिलिव कॉर्टोस ने क्या देखा कि मेज और सुगर केन प्लांट्स के अंदर 3 कार्बन कंटेनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, 4 कार्बन कंटेनर का फॉर्मेशन होता है। द 4 कार्बन कंटेनर इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देन आफ्टर हैच एंड स्लेक टू कंप्लीट स्टडी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सो दिस साइकिल इज नोन एज द हैच स्लेक साइकिल। इन्होंने तो केवल ऑब्जर्व किया था कि 3 कार्बन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, 4 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन हैच और स्लैग ने फिर कंप्लीट इसकी क्या की थी, स्टडी की थी कि कौन सा प्रोडक्ट कब फॉर्म हो रहा है। इसलिए साइकिल को क्या बोलेंगे, हैच स्लैग साइकिल बोलेंगे। इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंटेनर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, सो दिस साइकिल इज नोन एज द C4 साइकिल. सो दिस साइकिल इज नोन एज द C4 साइकिल. दिस साइकिल ऑब्जर्व इन द मेनली मोनोकोट प्लांट्स लाइक एज द मेज. ज्यादातर कौन से प्लांट में होती है? मेज, प्रल मिल्ट यानी बाजरा एंड सुगर केन. क्या है? सुगर केन. लेकिन कुछ डाइकोट प्लांट्स के अंदर भी इसको डिस्कवर किया गया था. वो डाइकोट प्लांट्स है अमरेंथ और यूफोर्बिया. क्या है? अमरेंथ और यूफोर्बिया के अंदर भी इसको देखा गया है. चलिए फिर अपन बात करते हैं कि जो C3 साइकिल जैसे मेज है, प्रल है ना, यूफोर्बिया है, जिन प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल प्रेजेंट होती है उन प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट. क्या बोलते हैं उनको? आप ध्यान में रखिएगा, C4 प्लांट्स बोलते हैं. अब देखो C4 साइकिल्स अगर है तो उस प्लांट में कुछ स्पेसिसिटी भी प्रेजेंट होगी. अब हम देखेंगे C4 प्लांट्स की स्पेसिसिटी, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है C4 साइकिल. और C4 साइकिल का मींस फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा वो कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का होता है. तो अपन देखते हैं स्पेसिसिटी ऑफ द C4 प्लांट. इसके सभी टॉपिक आपको अलग अलग टाइप के ही मिलेंगे. तो C4 प्लांट्स की अपन क्या देखते हैं? स्पेसिसिटी देखते. तो ध्यान में रखिएगा जो C4 प्लांट की जो लीव्स होती है, C4 प्लांट्स की लीव्स के अंदर एक तो मीजोफिल प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं लीव्स में. एक तो होगा मीजोफिल पार्ट और सेकंड हो जाएगा बंडल सीड सेल्स, यानी फोटोसिंथेसिस की जो सेल्स होती है, यानी फोटोसिंथेसिस रिलेटेड जो सेल्स है वो 2 है, मीजोफिल्स एंड बंडल सीड. बंडल सीड. और जो C3 साइकिल थी ना उसमें केवल मीजोफिल ही मेन होती, इसमें मीजोफिल और बंडल सीड सेल्स प्रेजेंट होती है. फिर अपन बताते हैं कि इसके अंदर जो बंडल सीट है, जैसे मान लीजिए ये बंडल सीट हो गया, ठीक है, सराउंडेड द बंडल सी, या बंडल सी सराउंडेड द वेस्कुलर बंडल. जो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, यानी कि जो बंडल सीट की जो सेल्स होती है वो वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है. जैसे बंडल सीट आपको पता है जाइलम और फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल, सॉरी बंडल सीट नहीं, वेस्कुलर बंडल, मैंने गलत बोल दिया वर्ड, वेस्कुलर बंडल. तो वेस्कुलर क्या हो गए? वेस्कुलर बंडल कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं. तो जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ ऐसे सराउंडेड पार्ट के अंदर ये जो बंडल सीट है ना, ये ऐसे अरेंज हो जाती है एक दूसरे के कंटेनर की फॉर्म में, जैसे मोतियों की माला हो, ठीक है. This form is known as the cranes. इस ये तो हो गए क्या? Vascular bundle. क्या हो गए? ये vascular bundle हो गए, जाइलम और फ्लोएम. और चारों तरफ क्या अरेंज हो गई? क्या अरेंज हो जाती है चारों तरफ? क्या अरेंज हो जाएगी चारों तरफ भी? बंडल सीट. और बंडल सीट का जो अरेंजमेंट बना है, दिस अरेंजमेंट इज शो द जर्मन लैंग्वेज द वृत, यानी क्रेंज. वृत यानी मोतियों की माला, WEATH. तो मोतियों की माला जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसको क्या बोलते हैं? क्रेंज बोलते हैं. सो दिस एनाटोमी इज नोन एज द क्रेंज एनाटोमी. द क्रेंज एनाटोमी इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द C4 प्लांट्स. देन द आफ्टर द बंडल सीड सेल्स एंड द मीजोफिल सेल्स डिफरेंट. मीजोफिल सेल्स हैव द स्मॉल ग्रेना, या फिर हैव द स्मॉल क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है, हैव द स्मॉलेस्ट क्लोरोप्लास्ट. द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द स्मॉल, वेल डेवलप्ड एंड कंटेन द ग्रेना. इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है साइज में स्मॉल है, वेल डेवलप है, ग्रेना प्रेजेंट है इनके अंदर, इन द बंडल सी सेल्स. द क्लोरोप्लास्ट इज द लार्ज, नॉट वेल डेवलप और ग्रेना इज नॉट प्रेजेंट. क्लियर होगी इतनी बार डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. चलिए यानी कि बंडल सीट वाली बात होगी. अब जो थाइलेकोइड है,
थाइलेकोइड क्या होगा, ओनली फाउंड है स्ट्रोमा लेमिली याद है ना, जैसे ये ग्रेना वाला पार्ट है, ऐसे एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से अटैच करने वाले स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट होते हैं। तो थाइलेकोइड ओनली फाउंड द स्ट्रोमा लेमिली फॉर्म्स इन द सी फोर प्लांट्स, द लाइट रिएक्शन इन द मेसोफिल सेल्स एंड द डार्क रिएक्शन इन द बंडल सीड सेल्स। मेसोफिल सेल्स हियर द लाइट रिएक्शन, क्यों ग्रेना प्रेजेंट है तो लाइट रिएक्शन होना ही है इसमें तो, और बंडल सीट में कौन सी आ जाएगी डार्क, ठीक है। लाइट रिएक्शंस में क्या होगा, CO2 को क्या किया जाएगा कैप्चर किया जाएगा, और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा CO2 का क्या हो जाएगा फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना डिफरेंस आपके शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं सी फोर साइकिल्स बनती कैसे। चलिए पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देते, देखिए ऐसे दो पार्ट बना लिए, एक क्या बन गया मेसोफिल जिसमें ग्रेना प्रेजेंट है, ठीक है, जो लाइट को भी अब्जॉर्ब करेगा साथ साथ में मेसोफिल, और एक ये क्या हो गया बंडल सीट, डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं कि जो मेसोफिल है, मेसोफिल के अंदर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, यानी कि अपने कि सी फोर प्लांट में CO2 को स्टोमेटा के थ्रू जो अंदर आती है, जो CO2 कहाँ आएगी CO2 मेसोफिल वाले पार्ट्स के अंदर, तो वन मोलिक्यूल ही आता है, ठीक है, मेसोफिल पार्ट्स की साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगी। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में थ्री कार्बन कंटेनर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या है पीईपी, पीईपी की फुल फॉर्म क्या होगी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रेजेंट, आपको दिखाई दे रहा है ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रेजेंट है, कितने कार्बन का ये थ्री कार्बन का कहाँ है मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। जैसे सी थ्री साइकिल्स में क्या था राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट था साइटोप्लाज्म में, वैसे यहाँ है, तो ये क्या करता है एटमोस्फियर से वन मोलिक्यूल, कितने मोलिक्यूल्स वन मोलिक्यूल्स CO2 को रिसीव करता है, टू ट्रेप देयर इज वन मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टू फॉर्म द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, टू फॉर्म द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द फोर कार्बन कंटेनर, सो दिस साइकिल इज नोन एज द सी फोर साइकिल्स। अब यह एंजाइम, तो यह एंजाइम होगा पीईपी कार्बोक्सीलेज, अब CO2 यहाँ पे रिसीव की जा रही है तो कार्बोक्सीलेज हो जाएगा, और पीईपी क्या हो गया फॉस्फो, है ना, क्या हो जाएगा पीईपी का क्या नाम हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड, तो फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड रिसीव द कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू फॉर्म द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन आफ्टर द ऑक्जेलो एसिड एसिड कन्वर्ट इन टू द मेलिक एसिड, मीन्स रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, देन एनर्जी किसकी जरूरत होगी, तो अब यहाँ पे क्या होगा एनर्जी कौन दे रहा है NADPH प्लस हाइड्रोजन, जो आयंस होंगे वो NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इसके ऑक्जेलो जो एसिटिक एसिड है वो मेलिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है, और साथ में NADPH का क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन निकल गए ना तो NADP का क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी देखिए इलेक्ट्रॉन अगर दिए जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, सॉरी हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं ना तो ऑक्सीडेशन है ये भी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो रिडक्शन हो जाता, हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो मेलिक एसिड जो होगा वो आगे जाकर के मेलेट में कन्वर्ट होगा, क्या बनेगा मेलेट,
और जो मेलेट है वो एंटर इन द बंडल सीड सेल्स, देन आफ्टर इन द मेलेट टू रिमूव द कार्बन डाई ऑक्साइड्स, यहाँ से क्या निकल जाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड एंड टू फॉर्म द पीईपी, फॉस्फोपाइरिक एसिड, या फिर अपन बताते हैं पायरेट, बता देते हैं एक बार, पहले क्या बन जाएगा, पायरेट बन जाएगा, ठीक है, CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और जब CO2 फ्री हो जाती है तो वापस से जो NADP है उस वापस से इसका NADPH plus हाइड्रोजन साइंस मीन्स इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाता है, यहाँ पे जो पायरेट बना, पायरेट कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोइनोल पायरिक, फॉस्फो फिर या बता दो पायरेट एंटर इन द बंडल सीड सेल्स, सॉरी मेसोफिल सेल्स, पायरेट एंटर इन द मेसोफिल सेल्स और टू फॉर्म द पीईपी फॉस्फोइनोल, क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड, पीईपी फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड, PEP का वापस से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड, जब फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, पायरेट कहाँ आ गया, देखिए अपन मैं यहाँ पहले एंटर करवा देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पायरेट, पायरेट कहाँ आ गया, मेसोफिल्स में, देन द पायरेट टू फॉर्म द फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड, देन द हेयर, देन द हेयर ATP is used, यानी ATP convert into ADP plus phosphate, convert into ADP plus phosphate. Then after the in the bundle seed cells, the free carbon dioxide enter into the C3 cycles or to form the glucose, to form the glucose and the carbohydrate container. This cycle is known as the C4 cycles. एक बार वापस से देखिए, C4 cycle completed in the two cells, mesophyll cells and the bundle seed cell. In the mesophyll cells present the grana, receive the light reaction, CO2 etc. The mesophyll cells contain the phosphoenol pyruvic acids. It is the three carbon containers to receive the one molecules of carbon dioxide from the atmosphere, presence of the PEP carboxylase enzymes to produce oxaloacetic acid, four carbon containers. The oxaloacetic acid convert into the malic acid, the oxidations of the NADPH convert into the NADP and the malic acid is reductions. The malic acid convert into the malate enter in the bundle seed cells. Then the malate, the CO2 is released from the malate. So decarboxylations here. During the decarboxylations, NADP reduce NADPH plus hydrogen ions. Then after the decarboxylation to form the pyrate. This pyrate the further enter in the mesophyll cells and to form the phospho, ठीक है, pyrate acids. And the ATP convert into the ADP plus inorganic phosphates. The cycle is repeated. In the bundle seed cells, the free CO2 enter in the C3 cycles or to form the glucose. This cycle is known as the C4 cycles. The first stable product is the C4 cycle, oxaloacetic acid, 4 carbons. C4 cycles complete in the mesophyll cells and the bundle seed cells. In the mesophyll cells, to consume the CO2 and the bundle seed cells, reductions of the CO2 and fixation of the CO2 in the bundle seed cells and consumes and receives the CO2 by in the mesophyll cells. Then the clear. So today questions now, right? Write the first stable product of C
सी फोर साइकिल्स. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सी फोर साइकिल्स. सेकेंड राइट द वन स्पेसिसिटी ऑफ द लीव्स ऑफ सी फोर साइकिल्स. स्पेसिसिटी ऑफ लीव्स ऑफ सी फोर प्लांट्स. स्पेसिसिटी ऑफ सी लीव्स ऑफ सी फोर प्लांट्स. ये टू क्वेश्चन है. फर्स्ट प्रोडक्ट बताना है, सी फोर प्लांट के लीव्स की स्पेसिसिटी बतानी है, जो मेन स्पेसिसिटी होती है. ये आपकी क्लियर होगी है सी फोर साइकिल.